सुनो, मैं अंदर अच्छी तरह से देखकर आया हूँ। वो लड़की कहीं नहीं है, तुम निकलो यहाँ से। ए भाई, मैं तेरे को बोल रहा है ना, वो अंदर गई है। मैं एक काम करता है, मैं अपने आप देख के आता। अरे सुनो सुनो, तुम मुझे क्या नौकरी से निकलवाओगे क्या? एक एक फ्लैट को जाकर चेक करोगे? मेरी बात मानो, वो लड़की नहीं है। अब तुम मीटर ऊपर करो, निकलो यहाँ से। अरे मैं जा रहा है ना, अब गाड़ी आ रही है, निकलो यहाँ से। हटाता है ना? अरे यार क्या लफड़ा है, हटाओ गाड़ी बीच में से। अरे हटाता है साहब, बिल्डिंग के बीच में खड़े होकर क्या लफड़ा कर रहे हो? हटा देगा, निकालो यहाँ से गाड़ी, चलो जल्दी। निकालेगा नहीं इधर से। अरे जल्दी करो, साइड में लगा देना। चलो साइड में लगाता है। हाँ चलो चलो, जल्दी करो, चलो हटाओ, निकलो यहाँ से जल्दी, साइड में लगाओ भले। चलिए साहब, अभी तो से जाएगा नहीं जब तक मेरे को पैसा नहीं मिलेगा। छोकरी अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं है? जी हाँ सर, ऑल राइट सर, गुड नाइट सर। एसीपी साहब का फोन था, पूछ रहे थे कि अमेरिका से जो मिस्टर विलकॉक्स आए हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या हुआ? वो ठीक है, मिस्टर राम प्रकाश के घर में ठहरा हुआ है, हमने उसे पुलिस प्रोटेक्शन दे रखा है और कल सुबह तो वो वापस जा रहा है। इस विलकॉक्स ने हमारे देश में काफी पैसा लगाया है और कुछ आतंकवादी उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ओह, इसीलिए मैं कल खुद उसे एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा हूँ। सर ऐसी बात है तो आपको अभी घर जाना चाहिए, यू शुड गो एंड रिलैक्स। यस, हाँ यू आर राइट। दया, सिक्योरिटी वालों से बोल देना कि सुबह 5 बजे तक राम प्रकाश के घर पहुँच जाए। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट मैं लाइन देता हूँ, एक मिनट। सर आपके लिए कॉल है, 6 नंबर पर। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर दया, CID। हाँ बोलिए। साहब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, साहब मुझे ये नहीं करना चाहिए था साहब, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। हाँ बोलो, क्या क्या कर दिया तुमने, क्या कर दिया बोलो। एक्सचेंज फोन करो, कॉल ट्रेस करना है जल्दी। देखो ठीक ठीक बताओ क्या हुआ, किया क्या तुमने? साहब मैंने बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी साहब, पैसों के लालच में ये क्या हो गया साहब, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है साहब, मुझे नहीं करना चाहिए था साहब, आप ही मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर ये बताओ तुमने किया क्या है साहब? मुझे कहा कि हेलो हेलो हेलो, डैम इट, किसी ने लाइन काट दी। ये आदमी हमसे कुछ कहना चाहता था, मगर इससे पहले कि ये कुछ कह सके किसी ने लाइन काट दी। कहां से फोन किया था? पालकर मार्ग नंबर, ठीक है ओके, पता चल जाएगा। हाँ सुधाकर फ्रेडरिक्स, कहां से आया था फोन? इतने कम समय में सिर्फ इतना पता चला है कि फोन पालकर मार्ग से आया था, और ये कॉल पब्लिक टेलीफोन से ही किया गया होगा, क्योंकि जब फोन आया था तब मैंने कॉइन गिरने की आवाज सुनी थी। पालकर मार्ग, वहां के सभी पेफोन चेक करते हैं। ए भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरे को अंदर जाके देखने दे। अंदर लड़की नहीं गई है, तुम निकलो यहां से। ए मैं नहीं निकलेगा, देख मेरा टैक्सी का 300 रुपए मीटर का हो गया, तेरे धंधे का खोटी मत कर। देखो मैं तेरे को बोलता, देख मैं बोल रहा लड़की अंदर गया है। मैं बोल रहा हूँ कोई लड़की अंदर नहीं गई, तुम टैक्सी उठाओ चलो। अरे जब मैं इधर आया था तू इधर था ही नहीं यार। अरे माता की, अंदर गया। क्या हो रहा है यार, क्या लफड़ा है? ए तुमको क्या मांगता है, तुम कौन है? CID साहब, साहब इस ड्राइवर ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया साहब, अब कितनी देर से माथा खा रहा है साहब, एक लड़की के पीछे पूरी बिल्डिंग वालों को जगाना चाहता है साहब, मैं ऐसा कैसे करने दूं, मेरी नौकरी का भी तो सवाल है। ए तेरा तो नौकरी का सवाल है, मेरा धंधा इधर खोटी होता है उसका सवाल नहीं है, है? देख साहब, एक लड़की पहले टैक्सी को रोक के कितना देर पहले अंदर गया, अभी तक बाहर नहीं निकला साहब। आराम से, बात क्या है साहब? बात यह है कि पालिका नगर से एक लड़की मेरा टैक्सी रोका, बोला मेरे को वर्ली जाने का है। टैक्सी वर्ली चलना है, चलेंगे क्या? बैठिए मैडम। लेकिन मुझे थोड़ा सा जीवन नगर रुकते हुए जाना है। मैडम आपका तबीयत खराब है क्या? नहीं वो थोड़ा सा अस्थमा की बीमारी है इसीलिए। आइए मैडम, बैठिए बैठिए, आइए।
मुझे सिर्फ 5 ही मिनट का काम है, आप रुकेंगे ना यहाँ पर प्लीज सिर्फ 5 मिनट के लिए? मैडम आप जल्दी आ जाइएगा। हाँ ज़्यादा देर तो नहीं लगेगा, नहीं तो मुझे छोड़ दो मैडम आप। नहीं 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 सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, वो एक्चुअली मुझे 4th माले पर जाना है, ये पैकेट देना है, इतनी रात को टैक्सी नहीं मिलेगी और इस बिल्डिंग को देख कर लगता है कि यहाँ लिफ्ट भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की बात है। ठीक है मैडम आप जाओ, अब उन इंतजार करेगा और फिर अपना तो मीटर चल ही रहा है ना। ओके थैंक यू। साहब वो अंदर गई और तब से मैं इधर ही खड़ा साहब, मैं हिला ही नहीं इधर से साहब। लेकिन साहब मैंने तो पूरी बिल्डिंग चेक कर ली साहब, अंदर वो लड़की है ही नहीं। अरे मैं बोलता है ना कि लड़की अंदर ही है, वो अंदर से बाहर नहीं आया साहब। मैं बोलता साहब वो लड़की जो है ना लाल रंग का साड़ी पहना था साहब, उसके हाथ में एक पॉकेट था साहब, और वो साहब हाँ साहब उसको सांस का बीमारी था, सांस का, और उसका हाथ में वो जो सांस का पंप होता है ना साहब वो था उसके पास साहब। इनहेलर, तुम ड्यूटी पर ही थे ना, इधर उधर हिले तो नहीं? नहीं साहब, लेकिन हाँ 10 मिनट के लिए खाना खाने जरूर गया था, बाकी यहीं पर हूँ। हो सकता है लड़की उसी वक्त चली गई हो। अरे साहब वो लड़की आएगा तो इधर से ही ना, मैं इधर ही खड़ा है साहब, तब से इधर ही खड़ा है मैं तो। अच्छा 4th माले पे गई थी, चलो देखते हैं। हेलो दया, हाँ अभी तक वो फोन नहीं मिला है, लेकिन पालकर मार्ग बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं तो वो फोन मिलेगा ही। ठीक है मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। आइए साहब, साहब यहाँ बल्ब फ्यूज है साहब, यहाँ 3 फ्लैट है साहब, 401, 402 और 403। 401 में टिकमांसु साहब अपनी पत्नी के साथ रहते हैं साहब, और ये दोनों खाली पड़े साहब, 2 साल से बंद है साहब, मालिक बारगांव में रहता है। ये क्या? साहब देखा देखा, मैं आपसे बोलता था ना वो लड़की इधर आया, वो लड़की इधर आई, ये उस लड़की के पास था साहब। भरा हुआ है, इतनी जरूरी चीज वो यहां छोड़ कैसे गई? साहब क्या बोलेगा, मिस्टर दिग्मांशु यहां रहते हैं ना? जी साहब। अरे कौन है भाई? देखिए हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। क्या था आपने? हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। आप कौन हैं? इंस्पेक्टर अभिजीत, CID। CID? इतनी रात गए, हमारे यहाँ CID का क्या काम है? देखिए आधे घंटे पहले यहाँ कोई लड़की आई थी। लड़की? आपको कोई पैकेट दिया था उसने। पैकेट? या लाल रंग की साड़ी पहनी थी। लाल रंग की साड़ी पहन के लड़की पैकेट? नहीं नहीं यहाँ तो कोई नहीं आया था। आप किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग तो सो रहे थे। हाँ खैर आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग सो जाइए, माफ कीजिएगा। अच्छा आप लोगों ने कोई आवाज सुनी कॉरिडोर में? मैं तो सो रही थी, और वैसे भी ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मुझे इस कान से जरा कम सुनाई दे रहा है। हाँ लेकिन इंस्पेक्टर ये लड़की और क्या बात है ये सब, क्या उस लड़की ने कहा था वो हमारे घर आ रही? जी नहीं। खैर आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग सो जाइए, माफ कीजिएगा। सर राइट सर राइट।
हाँ सर, अभी तक वो फोन मिला नहीं है, जैसे ही मिलता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। इस बिल्डिंग में बाहर आने जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? हाँ सर, पीछे एक गेट है लेकिन वो बंद रहता है। लेकिन बिल्डिंग की दीवार ज्यादा ऊंची नहीं है साहब, कोई भी आराम से कूद के जा सकता है। साहब मुझे तो लगता है वो लड़की इसे चकमा देकर निकल गई है वहीं से। अगर उससे भागना ही था तो वो तो नीचे से ही भाग सकती थी, लेकिन वो चौथे माले पर गई थी क्योंकि उसका इनहेलर वहीं पड़ा मिला। कुछ गड़बड़ है। बरोबर साहब, साहब कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर हुआ है साहब। साहब इतना सीधा साधा दिखता था साहब, साहब मेरे को तो चिंता हो रहा है, उसको जरूर कुछ हुआ है साहब। एक बात बताओ, तुमने उसे बिठाया कहाँ से था? साहब मैं उसको पालिका नगर के पास एक ऑफिस है साहब, अब वो सदर्न टाइम साहब। हाँ बिल्कुल राइट हुआ। हाँ हाँ एक मिनट, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ, दरवाजे पर कोई है। यस इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। ओ आई एम वासुदेव, लोकल ब्यूरो चीफ। आइए प्लीज। अच्छा वो आप मिल गए, काफी देर हो गई थी, मुझे लगा कहीं ऑफिस बंद ना हो गया हो। दरअसल मुझे कुछ अर्जेंट डिस्पैच करनी थी इसलिए मैं यहाँ हूँ। एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू सर? ये आपका न्यूज़पेपर का ऑफिस है ना? ऑफ कोर्स सर। लगता नहीं है। यू आर राइट सर, असल में प्रिंटिंग यहाँ नहीं होती ना, इसलिए मेन ऑफिस हमारा साउथ में है। मैं तो यहाँ से बस रिपोर्टिंग करता हूँ और बाकी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम एजेंसी से ले लेते हैं। आपके यहाँ कोई लड़की काम करती है जिसने आज लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, शायद उसे अस्थमा भी है। ओ नीना। हमारे एक ही लड़की काम करती है, वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट है। कोई खास बात, कोई प्रॉब्लम? अच्छा आपने आज उसे जीवन नगर में किसी काम से भेजा था? जी हाँ भेजा था, पर हुआ क्या है? हमें वो पता चाहिए कि वो किस फ्लैट में गई थी। दरअसल इनकी टैक्सी में वो वहां तक गई थी लेकिन अभी तक उस बिल्डिंग से बाहर नहीं निकली। बाहर नहीं निकली? कमाल करते हैं साहब, अभी थोड़ी देर पहले तो उसका फोन आया था। क्या फोन आया था? जी हाँ, उसने फोन करके बताया है कि उसने पैकेट डिलीवर कर दिया है, लेकिन वो कल सुबह थोड़ा ऑफिस देर से आएगी, उसे कुछ थोड़ा बुखार है। फोन कहाँ से किया था उसने? घर से। घर से बोले तो? अरे साहब मैं तुम्हारी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था, अरे किधर से निकल गई वो? हाँ आपके पास उसका पता तो होगा? हाँ जरूर होगा, वो कहीं पेइंग गेस्ट है, मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ ये नीना वधवा, केयर ऑफ मिसेस पी डीसा, 12 जगन्नाथ रोड, स्टर्लिंग अपार्टमेंट, वर्ली। अच्छा मैं विमान टेक्सटाइल के बाहर से बोल रहा हूँ, उस पेफोन का ही पता चल गया है, तुम फौरन यहाँ एक एम्बुलेंस से क्या जाओ, यहाँ पे एक लाश मिली है। अपन वहीं खड़ा था, अरे हमको नहीं देखेगा वो?
कहिए। इंस्पेक्टर अभिजीत, सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है? माफ कीजिएगा इतनी रात में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपके यहाँ कोई नीना नाम की लड़की पेइंग गेस्ट है? हाँ है। उससे मिल सकता हूँ मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए आइए, अंदर आइए आइए, बैठिए। नीना, नीना, सीआईडी से तुम्हें कोई मिलने आए हैं। एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, सोने की तैयारी में थी, उसको बुखार है थोड़ा। नीना अभी आ जाएगी। नीना, क्या हुआ मिसेस दिशा? ओह माय गॉड, टैक्सी ड्राइवर, सॉरी भाई साहब, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। वो क्या हुआ ना कि ऊपर मुझे मेरा एक फ्रेंड मिल गया और बातों बातों में मैं उसी के साथ बाइक पे घर पे आ गई। मुझे आपका ध्यान में ही नहीं रहा। पता नहीं आप क्या सोचते होंगे कि लड़की कैसी है, पैसे दिए बिना ही भाग गई। आप कौन है? आप साहब, ये वो नहीं है, ये तो कोई और है साहब। वो शायद इन्होंने मुझे ठीक से देखा नहीं होगा। वो क्या है ना कि मैंने वो साड़ी भी नहीं पहनी है और मेकअप भी उतार दिया है। आप दो मिनट रुकिए, मैं अभी आपके पैसे लेके आती हूँ। लड़की जो मेरे गाड़ी में बैठा था ना साहब, उसका चेहरा तो थोड़ा सा भारी था। अब मेकअप उतार के इतना पतला चेहरा थोड़ी हो जाएगा साहब। ये लीजिए आपके पैसे। लड़की का शक्ल उस लड़की से बिल्कुल नहीं मिलता साहब। तो क्या मैं पागल हूँ जो आपको किराया दे रही हूँ? मैं पालिका नगर से आपकी टैक्सी में बैठी थी या नहीं? और आपसे कहा था कि मुझे जीवन नगर होते हुए वर्ली जाना है, कहा था कि नहीं कहा था? देखिए, ये वही नीना है जो पिछले 3 महीने से मेरे घर में पेइंग गेस्ट रह रही है। आप बात मानते क्यों नहीं है? ये वही नीना है साहब। साहब मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा साहब। साहब साहब, ये वो लड़की नहीं है जो मेरे गाड़ी में बैठा था साहब। साहब मुझे तो कुछ लफड़ा लग रहा है साहब, जरूर कुछ लफड़ा है साहब। कपड़ों पर और हाथ पर ग्रीस के अलावा और कुछ भी नहीं, लगता है कोई मैकेनिक था। कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, मारने वाले ने इतने सफाई से काम किया कि कोई सबूत ही नहीं छोड़ा। ये वही आदमी होगा जो फोन पे हमें कुछ बताना चाहता था, पर इससे पहले कि कुछ बता सके किसी ने इसका मुंह बंद कर दिया हमेशा के लिए। इसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं और हमारे रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं, देखते हैं मैच होता है क्या। अरे ये क्या, कैटाबॉलिक स्पैज़म, उंगलियां पूरी तरह अकड़ी हुई है। क्या ताश मिली है? उसी की जिसने तुमको फोन किया था? कागज मिला है हाथ में, क्या लिखा है, है? वासुदेव, वासुदेव सदर्न टाइम्स का नंबर है। ओके सुनो, जिस लड़की के ऑफिस में हम गए थे वहां जो आदमी था उसका नाम वासुदेव था ना? हाँ साहब, वासुदेव था। हुआ क्या, क्या हुआ साहब, क्या हुआ? एक लाश मिली है, उसके हाथ में एक कागज है जिसपे वासुदेव का नाम लिखा है, और वो लड़की नीना वो भी वासुदेव के लिए काम करती है, और तुम कहते हो कि वो असली नीना नहीं है। हाँ साहब। लाश के हाथ में कागज और एक गायब लड़की जो वापस मिल जाती है, ये दोनों कड़ियां वासुदेव के साथ मिलती है, मगर कैसे? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।